माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को समय से छात्रवृत्ति वितरण तथा उसमें आने वाली त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया गया। कार्यशाला में जनपद के सभी स्कूलों के प्राचार्य और प्रबंधक मौजूद रहे। कार्यशाला के माध्यम से सभी शिक्षकों को छात्रवृत्ति वितरण की जानकारी दी गई और बताया गया कि छात्रों का डाटा तैयार कर उसे अपलोड किया जाए। इसके अलावा अगर में कोई त्रुटि हो तो उसका भी सुधार किया जा सकता है। कार्यशाला में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने एक एक बिंदु पर जानकारी देते हुए छात्रवृत्ति वितरण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, और फिर वो अपना केवाईसी या जो नोडल आपके होंगे उस मोबाइल नंबर से लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, फिर वो ओटीपी फिल होगा। साइट को सिक्योर किया गया है कि यदि कोई फेक साइट आ गई है तो वो ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन अपने एक प्रिंसिपल का या किसी नोडल का किया उसने, फिर आप दूसरे को करना पड़ेगा। जैसे आप आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन चेंज का ऑप्शन डालेंगे तो पहले ऑप्शन मिल जाएगा और आप नए आदमी का डिटेल्स भर देंगे, फिर करता है तो उसी के माध्यम से करा लेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। अदरवाइज आपको एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स फिर आपको कार्यालय लाके देना होगा तो फिर वो चेंज हो पाएगा। इससे संबंधित यदि किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर कार्यालय आकर संपर्क कर लेंगे या कॉल कर देंगे या मैसेज डाल देंगे तो भी आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आप चाहे तो मोबाइल नंबर नोट कर लें, इस पे एनएसपी के रिगार्डिंग यदि किसी तरह की कोई ऑथेंटिसिटी में या आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे मुझे कॉल कर लें या कॉल करने से बेहतर है कि आप मैसेज डालेंगे तो उसके बाद में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उनका प्रमोटेड का कोई आदेश आपके पास है और सेकेंड ईयर में बच्चा प्रमोट हो गया है? चूंकि छात्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शासन द्वारा संचालित, इसमें आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए आपस में बैठ के संस्थानों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। कुछ जो परिवर्तन आए हैं उनके बारे में इन्हें बताया जा रहा है, इनकी और इनके द्वारा जो जिज्ञासाएं हैं समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा रहा है। नहीं, शासनादेश नहीं है तो थोड़े बहुत संशोधन आए हुए हैं उनसे, इनसे पहले ही अवगत कराया गया था। इस कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि एक बार उसको रिफ्रेश कर देना है कि वो ठीक से इन लोगों की समझ में आ जाए। सभी बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाए, सभी छात्रों को समय निश्चित रूप से सभी, ये सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि छात्रवृत्ति में किसी प्रकार की जो थोड़ी मोड़ी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान किया जाए और बच्चों को, सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दे दी जाए, उपलब्ध कराई जाए।